हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग विद टिम्पी। और आज हम बात करेंगे एजिंग की, जो कि हमारे स्किन पे बहुत ही जल्दी झलकने लग जाता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ डर्ट। कई कई बार क्या होता है कि हम लोग मेकअप करते हैं और उसको हल्का फुल्का साफ करते हैं और फिर हम सो जाते हैं, सो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने स्किन पे। सो मैं आज एक ऐसा मास्क लाई हूँ जो हमारी एजिंग को रोकेगा और जो हमारी रिंकल्स आते हैं, जो हमारी फाइन लाइंस बनती हैं, उनको भी हटाएगा। सो बिफोर दैट, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको अमेजिंग से वीडियोज़ मिल सके। सो हम लोग आज यूज करेंगे, हमारा की इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस पाउडर। सो हिबिस्कस पाउडर यहाँ पे मैंने अपने एक मेरे घर के बगल में एक स्टोर था, मैंने वहां से लिया था। सो जो कि मैंने पैकेट फाड़ दिया है और ये हिबिस्कस पाउडर है। सो ये है शगुन गोल्ड का और ये नेचुरल हर्ब से बना है। सो हम लोग हिबिस्कस पाउडर को लेंगे। हिबिस्कस पाउडर में एंटी एजिंग बेनिफिट्स होते हैं। इसको हम यूज करके हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस, इन सबको हटा सकते हैं। ये हिबिस्कस पाउडर हमारी स्किन टोन को भी बैलेंस करता है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आई एम गोना यूज 1 टेबलस्पून ऑफ हिबिस्कस पाउडर। सो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून से हिबिस्कस पाउडर ले रही हूं और अब मैं यहाँ पे लूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। सो 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट लूंगी मैं। योगर्ट में आपका स्किन को हाइड्रेट करने की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है और योगर्ट हमारी ड्राई स्किन को भी अच्छा करता है और जो हमारी इची स्किन होती है, कई कई लोगों के स्किन पे बहुत ज़्यादा इचीनेस हो जाती है, खुजली होती है, तो उस चीज़ को भी ये दूर करता है। सो आई एम गोना टेक 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट इन दैट। सो 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट मैंने लिया है। उसके बाद में हम लेंगे हनी। सो हनी, जैसे कि हम सभी को पता है कि हनी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है। और ग्लोइंग से याद आया है, अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को रोजी बना सकते हैं, यानी कि रोजी पिंक बना सकते हैं, तो उसको आपका वो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा यहाँ कहीं ऊपर। सो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा। सो हम लोग बात कर रहे थे हनी की। सो हनी में हमारा स्किन को स्मूथ करने का बहुत ही ज्यादा क्वालिटीज होती हैं। सो हम यहाँ पे लेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ हनी। सो यहाँ पे हमने 1/2 टेबलस्पून ऑफ हनी लिया है। और हनी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे पेस्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाएंगे। सो मैंने अपने फेस को अच्छे से वेट वाइप से साफ कर लिया है और जो कि मैं आंखों के ऊपर नहीं लगाने वाली हूँ, सो इसलिए मैं आई शेडो अपना नहीं रब कर रही हूँ। सो अगर आप इसको पूरा फेस को धोने के बाद भी लगा सकते हैं। सो इस मास्क को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने फेस पे। सो मैंने इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब हम लोग इसका सूखने तक वेट करेंगे और जब तक कि ये सूखता है तब तक कि आप एक अच्छा सा ड्रिंक ले सकते हैं और मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं। इसको पॉज करके साइड रख के और फिर वापस आकर आप इसको देख सकते हैं। सो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तब तक हम इसके सूखने का वेट करते हैं। अब मेरा फेस सूख गया है तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ। सो गाइस, मैं अपना फेस को वॉश करके आ गई हूँ। सो इस चीज़ को आप लोगों ने वीक में एक बार ट्राई करना है और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसके रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी दिखने लग जाएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।